नमस्कार दोस्तों, ओमनीसेंस चैनल में आपका बहुत स्वागत है। और आप इस वीडियो में 1088 दिन के उस क्लास को देख रहे हैं जिसमें आप ये जान सकते हैं कि जीरो से अंग्रेजी को कैसे पढ़ाया जाता है। दोस्तों, कहीं ना कहीं से तो लोग शुरुआत करते हैं और अंग्रेजी आपको शुरू करना चाहिए, क्योंकि एक अंग्रेजी की वजह से आप बहुत जगह जो है अपनी बातों को नहीं कह पाते हैं या आप अपने आप को प्रूफ नहीं कर पाते, साबित नहीं कर पाते हैं। दोस्तों, इसलिए इंग्लिश पढ़िए, पहले पढ़ना सीखिए, फिर जो है लिखना और फिर बोलना सीखिए, अपने व्यवहार में लाइए इसको, कैसे कर सकते हैं तो बहुत ही आसान है। दोस्तों, अगर आप वीडियो देखते हैं अच्छा लगता है तो लाइक और शेयर कीजिएगा और बेल आइकन को हिट कीजिएगा जिससे कि नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहे। तो देखिए, सीधा डायरेक्ट, जी हाँ दोस्तों, डायरेक्ट जो है बात होगी टेक्स्ट पे। जी हाँ, टेक्स्ट पे बात होगी। और टेक्स्ट जो है दोस्तों, जाहिर सी बात है, इसमें मैं कुछ थोड़े से बात को समझाने का प्रयास करूँगा, जिससे क्या होगा कि जब सेंटेंस पढ़ेंगे ना तो आपको लगेगा कि भाई हाँ इजी है, क्योंकि ये अभी फ़िलहाल में जो करंट से रिलेटेड जो है कुछ टेक्स्ट मैंने लिए हैं और वो आपको बहुत ही समझने में मदद देगा। तो देखिए, अब जो है पढ़ने के साथ साथ समझने की ज़रूरत भी है। तो जीरो से कैसे पढ़ना सीखना है, जीरो से पढ़ने के लिए वो करना क्या होगा, इस बात को समझिए। दोस्तों, यहाँ पर आप बहुत सारे जो है टेक्स्ट को देख रहे होंगे, जो पैराग्राफ है, ये हमारा पैराग्राफ आपको ये बताएगा कैसे पढ़ना है। उसके लिए जो आपको तो पता ही होगा ABCD, जिसको अल्फ़ाबेट कहते हैं, नाम अल्फ़ाबेट लेकिन लोग आज भी ABCD कहते हैं, उसका सही सही उच्चारण जानना होगा, जिसके लिए हमारे पिछले क्लास को देखना होगा। और आई बटन में भी आपको बहुत सारे लिंक मिल जाएगा यहाँ पर, ठीक है, बहुत सारे लिंक मिल जाएगा, वहाँ से भी जा सकते हैं, वीडियो के लास्ट में भी जा सकते हैं या प्लेलिस्ट में भी जा सकते हैं। तो चलिए पढ़ते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स को ही मैंने याद कहा, जैसे कि हैव, यू, एवर, टू, गेट, आउट, इस तरह से वर्ड्स को, तो वो इजीली आप पहचान, जैसे ही, व्हाट, व्हाट, ऐसे इजी है पढ़ना, लेकिन जहाँ आप फंसेंगे वहाँ भी। तो यहाँ पर थोड़ा सा समझने का प्रयास करें, हैव, ठीक है, हैव क्या पढ़ेंगे, हैव, यू, एवर, ER को अर बोलते हैं, भी के साथ लगा अर, चूँकि ER को अर बोलते हैं तो भी के साथ लगा तो वर हो गया, लेकिन ई को क्या बोलते हैं, ई, अब यहाँ लिखा हुआ ई, लेकिन क्या पढ़ेंगे हमेशा ई, जी नहीं दोस्तों, ई को हमेशा ई नहीं पढ़ेंगे, यहाँ पढ़ेंगे ए, इवर भी नहीं पढ़ेंगे, इवर भी नहीं पढ़ेंगे, यहाँ पर पढ़ेंगे ए, एव, ए पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, ए पढ़ेंगे। कहीं कहीं अगर एन रहता, मान लीजिए यहाँ पर रहता ई वी ई एन, तब पढ़ते दोस्तों ई, तब ई पढ़ते, उच्चारण अलग हो जाता। तो थोड़ा थोड़ा सा बदलाव की वजह से थोड़ा थोड़ा सा जो है उच्चारण अलग होता, तभी तो लाखों वर्ड्स हैं, नहीं तो फिर कैसे होते इतने लाखों वर्ड्स, है ना, थोड़े थोड़े से अंतर है, लेकिन उन अंतरों को जैसे हम लोग तो समझते हैं ना, अगर 12 खड़ी हम लोग जानते हैं तो पता चलता है कि हर से ई कार दौड़ा दो, दृढ़ कार करो तो ई कार बोलते हैं, ऊ कार बोलते हैं, आकार, ए कार, आय कार, ओ कार, ऐसे करके बोलते हैं, के, क, ओ, को, का, ऊ, कू, ऐसे बोल लेते हैं। लेकिन इंग्लिश में कोई रूल्स नहीं है, कुछ रूल्स हैं जो कि पैटर्न के अनुसार समझे जा सकते हैं। जैसे मैंने बताया कि ई को ए और ई को ई, ई को अ और ई को आ भी बोलते हैं, लोग कम जानते हैं कि भाई ई को चार तरह से बुलाते हैं, है ना, ई को जो है, सॉरी, पांच तरह से बुलाते हैं। अब यहाँ पर जो अ उच्चारण हुआ है, यहाँ ए उच्चारण हुआ है, यहाँ भी तो ई है, तो बोले अर, अर, ई आर को अर बोल रहे हैं, भी कह लगा तो वर हो गया, और यहाँ पर ए पढ़ दे रहे हैं, एव, एवर। अब देखिए, एस है, सिंगल एस, इसके बगल में कोई वॉवेल नहीं है, आपको दिख रहा होगा। जब भी कोई वर्ड्स, जैसे कोई भी वर्ड मीनिंग कैसे बनता है, इस बात को समझिए। देखिए, वर्ड मीनिंग बनने के लिए आपको ज़रूरत होता है कि चाहे तो आप कॉन्सोनेंट से शुरू करें, उसके बाद वॉवेल लाएँ, फिर कॉन्सोनेंट दें, फिर वॉवेल दें, इस तरह का एक पैटर्न चलता है तो एक वर्ड बन जाता है। या कभी कभी वॉवेल से स्टार्ट होता है, फिर कॉन्सोनेंट, फिर कॉन्सोनेंट, फिर वॉवेल, मतलब जोड़ा युग्म रहता ही है, ठीक है। जैसे अगर लिखते हैं, मान लीजिए MAN, तो इसका मतलब है कि भाई M जो है कॉन्सोनेंट है, A जो है वॉवेल है, C जो है कॉन्सोनेंट है। अगर गो कर देते हैं तो देखिए, C जो है, G जो है कॉन्सोनेंट है और वो जो है वॉवेल है, तो C भी कॉन्सोनेंट, वॉवेल, कॉन्सोनेंट, कॉन्सोनेंट प्लस वॉवेल, ऐसे चल के चला। अगर लिखते हैं ऑफ, ठीक है, ऑफ, यहाँ लिख देते हैं L I N, लाइन, एक साथ वर्ड बनाते हैं, तब देखिए ये वॉवेल है, फिर कॉन्सोनेंट, फिर कॉन्सोनेंट, फिर कॉन्सोनेंट, फिर वॉवेल, फिर कॉन्सोनेंट, फिर वॉवेल,
ये मतलब कि वोवेल कॉन्सोनेंट 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 वोवेल कॉन्सोनेंट और वोवेल, ये अब वर्ड्स तो समझ रहे हैं ना कैसे बनते हैं, तो इस चीज़ को आगे समझना है। अब देखिए इसके एस के बगल में तो कुछ नहीं लगा हुआ है, कोई वोवेल नहीं लगा, वोवेल पांच होते हैं ए ई आई ओ यू, और यहाँ पर कोई नहीं लगा होता, यानी एस पढ़ेंगे, एस 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 सीधा एस है तो एस पढ़ेंगे, क्योंकि सिंगल अगर अल्फ़ाबेट कहीं उच्चारण होता है तो सिंगल पढ़ेंगे, जैसे यहाँ पर ए लिखा हुआ तो ए पढ़ेंगे, ठीक है ए पढ़ेंगे, लेकिन यही यहाँ पर डी एच ई टी एच ए टी लिखा हुआ है तब यहाँ ए नहीं पढ़ रहे, यहाँ पर ए पढ़ रहे हैं, अंतर हो जाता है, तो यहाँ ए सिंगल है तो एस पढ़ेंगे, एस टी आर यू ट्रग ट्रग अगल्ड ट्रगल्ड टू गेट आउट, ओ को यहाँ क्या पढ़ रहे आ आ उट आउट, उसके बाद ऑफ, देखिए ओ लिखा हुआ लेकिन ओ पढ़ते ओ क्या पढ़ते ओ ऑफ बी ई डी बेड बेड इन द टी एच ई को द पढ़ते, चूंकि ई का उच्चारण अ के रूप में और टी एच को द पढ़ते हैं, मॉ मॉर्न मॉर्न में आई एन जी जुड़ गया जो कि एक एपिस्ट्रॉफे है, सॉरी ये जो हमारा है एक पार्ट्स ऑफ वर्ड है ना सफिक्स पार्ट जो कि वर्ड के अंत में आता है, तो मॉर्निंग ई एन देखिए यहाँ पर जैसे ऊपर मैंने ना एन तो टी एच के साथ लगा तो टी को द बोले द में एन जुड़ गया तो देन हो गया, वो कैसे ये समझिए देन, जैसे मान लीजिए कि टी एच ई एन अगर टी एच को द बोलते हैं, सॉरी यहाँ पर लिखने में थोड़ा सा यहाँ से लिखते हैं, टी एच को द बोल रहे हैं और ई एन को एन बोल रहे हैं, एन मतलब एस से, ठीक है तो एन का मात्रा चिन्ह अगर एन का मात्रा चिन्ह ये होता है, अब ये अन्ना का मात्रा चिन्ह तो होता ही नहीं है, आपको पता है कि स्वर जो होता है स्वर के मात्रा चिन्ह होते हैं, तो उसी मात्रा चिन्ह के अनुसार ए का मात्रा चिन्ह ए हो गया, तो ये जो है अगर ऐसे लिखते हैं द प्लस एन तो ये जो मात्रा चिन्ह जो है ए, ये चूंकि इसके लिए द के लिए द पे पढ़ रहे हैं ना, तो द पे पढ़ रहे हैं तो द का मात्रा चिन्ह जो है घुमा कर यहाँ पर ले आते हैं और न को ऐसे लिख देते हैं क्योंकि इसका तो मात्रा चिन्ह होता है। अब देखिए देन तो यही तो पढ़ रहे हैं देन, अब समझ में आ रहा हो कि देन कैसे पढ़ा गया, कैसे ये देन बना है, अब इसको अगर आप समझ चुके हैं तो वर्ड्स ऐसे ही पढ़ना है, जीरो यही है, जी हाँ, सो जीरो से अंग्रेजी सीखने का मतलब ही यही है। नेक्स्ट देखिए आउट ऑफ वेट इन द मॉर्निंग देन हेयर 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 क्या पढ़ेंगे हीयर नहीं पढ़ेंगे हीयर हीयर नहीं पढ़ेंगे हेयर इज ए वीडियो वी डी ओ लेकिन यहाँ ओ लेकिन यहाँ क्या पढ़ रहे हैं ओफ नहीं ओफ नहीं यहाँ तो ओ पढ़ रहे हैं यहाँ पर ऑफ ए स्लिपी स्लीप स्लिप है वाई लग गया स्लिपी डॉग डॉग ओ पढ़ रहे हैं डॉग दैट यू मे रिलेट ए के बाद ई है तो ए का उच्चारण फिक्स एक रूप में जाता है ए रिलेट टू टर्न्स आउट बिजनेस बी जी बी जी एस को यहाँ जा उच्चारण हो रहा है आई लग गया तो बिजीनेस तो बिजनेस हो जाता है क्योंकि आई को अभी तो पढ़ते हैं बिजनेस बिजनेस टाई कून आनंद महिंद्रा इसके लिए स्वर व्यंजन का जानकारी आपको रखना होगा ऑल्सो फाइंड्स द क्लिप फैमिलियर फैमिलियर क्या पढ़ेंगे लियर फैमिलियर एट लीस्ट एट लीस्ट ए ई को बड़ा ई के रूप में बोलते तो ली एल ई एल ई एल ई एस टी लिस्ट दैट इज व्हाट ही रोट रोट वाइल ट्वीटिंग द वीडियो। अब देखिए थोड़ा सा ऊपर से मतलब समझने कि हैव यू एवर स्ट्रगल टू गेट आउट ऑफ द वर्ल्ड इन द मॉर्निंग यानी सुबह में जब आप उठते हैं तो कहा इसमें कहा जा रहा है कि भाई क्या आपने स्ट्रगल किया है अपने बेड पे उतरने से पहले या सो देन हेयर इज अ वीडियो एक वीडियो दिखाया गया है कि ए स्लीपी डॉग दैट यू मे रिलेट टू यानी कि उससे रिलेटेड मतलब कि जो ऊपर का स्टेटमेंट है उससे रिलेटेड है कि भाई सोया हुआ कुत्ता किस तरह से जो है स्ट्रगल करा देता है बेड पर तो वो बात है वीडियोज़ भी है ट्विटर पर आप जाकर देख सकते हैं लेकिन टर्न्स आउट बिजनेस टाइकून तो ये कह रहा है कि भाई बिजनेस टाइकून जो आनंद महिंद्रा है ऑल्सो फाइंड्स द क्लिप फैमिलियर एटलीस्ट दैट इज वॉट ही रोट वाइल ट्वीटिंग द वीडियो वेल अगेन वेल नॉट एवरी मॉर्निंग ठीक है हमेशा जो है मतलब सुबह जो है अच्छा नहीं होता है बट वीकेंड्स यस दैट डेफिनेटली लुक्स
फैमिलियर, यानी कि जो वीकेंड्स होता है यानी सैटरडे और संडे होते हैं वो हमेशा जो है अच्छा, मतलब फैमिलियर का मतलब होता है परिचित होता है, जैसे माहौल अच्छा बन जाता है वो है। उन्होंने महिंद्रा पोस्टेड अलॉन्ग विद अ वीडियो। चलिए ये जो है कहानी है, और इसमें देखिए यहाँ पर हम मैं फिर से आपको लाऊंगा वापस यहाँ पर, यहाँ से देखिए। तो महिंद ऑल्सो फाइंड द क्लिप फैमिलियर, आई ईयर को ईयर पढ़ते हैं तो लियर हो गया, एट लिस्ट दैट इज अ वॉट ही रोट वाइल ट्वीटिंग द वीडियो, वेल नॉट एवरी मॉर्निंग बट, यू को अ पढ़े तभी तो बट पढ़े, वट वीक में ई एन डी लग गया, तो वीकेंड्स, यस दैट डेफिनेटली है ना, डेफिनेटली लुक्स, डबल ओके को उक पढ़ते हैं एल के साथ लगा तो लुक होगा, लुक्स फैमिलियर, महिंद्रा पोस्टेड अलॉन्ग विद वीडियो द क्लिप्स ओपन्स टू शो अ टाइटल दैट रीड्स मी ट्राइंग टू गेट आउट ऑफ द बेड एवरी मॉर्निंग, ठीक है। द वीडियो देन गोज ऑन टू शो द स्ट्रगल्स ऑफ अ डॉग वाइल ट्राइंग टू गेट आउट ऑफ द बेड, मतलब कहा जा रहा है कि भाई वीडियो में ये दिखाया गया है कि कैसे बेड से हटने लगते हैं तो डॉगी जो है वो स्ट्रगल करता है, मतलब भी खेलते हैं आनंद महिंद्रा के साथ खेलता है, उस तरह की बात है। इनफैक्ट द क्लिप्स एंड विद द डॉग गिविंग अप इन द फाइट अगेंस्ट स्लीप एंड लाइंग डाउन ऑन द फ्लोर फॉर अ नैप। तो दोस्तों ऐसे जो है धीरे धीरे वर्ड्स को पढ़ेंगे, अब तो मैंने बहुत ही बेसिक लिए हैं वर्ड्स ताकि आप जल्दी से जल्दी पढ़ना सीख जाएं। रोज़ हमारे साथ अगर पढ़ते हैं तो आपको पढ़ने से कोई नहीं रोक सकता है, क्योंकि हमारे साथ रिवाइज होगा, रिवीजन होगा, और जो माइंड में चलते रहता है इंग्लिश को पढ़ने के लिए, अगर इंग्लिश में ये छूट जाता है, ये कैसे होता है, वो कैसे पढ़ा जाता है, वो सब पे चर्चा होती है। अब नहीं समझ में आ रहा तो अब यहाँ से समझने का बहुत ही प्रयास करें। दोस्तों पहला वर्ड देखिए मिटोटिक, आई सी को इक बोलते हैं, ठीक है, तो मिटोटिक, ठीक है, और ये देश दुनिया में बोले जाने वर्ड्स हैं दोस्तों, मतलब कि पूरे वर्ल्ड में जो बोले जाते हैं वर्ड्स, आप ऐसा सुना भी नहीं होगा, लेकिन अगर इंग्लिश में लिखा हुआ तो फिर पढ़ने तो आना चाहिए ना। तो हर एक वर्ड्स में मैं प्रैक्टिस कराता हूँ, बाकी तो है ही, मीटिंग, ठीक है, मीटिंग नहीं, आर छोड़ जाता तो मीटिंग हो जाता, तो मीटिंग, मेट स्व, नेक्स्ट इज मिटर्स के बाद देखिए मिटेंस, एन को एन, मिटेंस के बाद है मीटेंट, नेक्स्ट जो है मिटेंट के बाद देखिए मिटन्स, नेक्स्ट जो है मिटन्स के बाद है मीटुम्बा, नेक्स्ट जो है यहाँ मिटियाना, नेक्स्ट है मिटजेल्स, नेक्स्ट जो है मिट्स व, यहाँ पर भी था एस के साथ तो इसको भी यही पढ़ रहे थे। अब देखिए मिवोकन, नेक्स्ट जो है इधर देखिए ये रहा मिक्सेबल, ए वी एल ई को एबल बोलते हैं, और तो एबल जो है एक्स के साथ जुड़ गया, एक्स को तो एक्स ही पढ़ते हैं तो मिक्सेबल, नेक्स्ट जो है देखिए मिक्स, अब देखिए ये जो हमारा प्रीफिक्स पार्ट चल रहा है मिक्स, अब मिक्स करके ये आता रहेगा, देखिए मिक्स डाउन, ठीक है, मिक्स डाउन, मिक्सडली, क्योंकि ई एक्स के साथ जुड़ा था मिक्सडली, मिक्सड हो गया, मिक्स एम आई एक्स डी, मिक्सड एल वाई लिख गया, मिक्सडली पढ़ देंगे, मिक्सडली और अच्छा होगा, मिक्सडली, मिक्सिबल, आई वी एल को ईबल बोलते हैं, इस पार्ट को याद रखिएगा, तो एक्स के साथ लगा तो मिक्सी हो गया, मिक्सिबल, ठीक है, मिक्सिबल, मिक्सी एस्ट है ना, ई एस टी को एस्ट बोलते हैं, यहाँ देखिए ई एस टी को, आप मोबाइल को चौड़ा कर लीजिए, आप बहुत अच्छे से देखिए मिक्सिएट, बड़ा करके वर्ड्स को देख सकते हैं, अपने फिंगर को ऐसे स्क्रीन पर टच कीजिए और बड़ा कर लीजिए, मिक्सन्स, नेक्स्ट जो है मिक्स टेप, ए के बाद ये है तो ए का रूप फिक्स ए के उच्चारण की तरह होता है, मिक्स हो गया, टेप हो गया, देखिए प्रीफिक्स पार्ट,
कम से कम आपको समझ में आएगा कैसे पढ़ना है। जैसे यहाँ देखिए मिक्स है, यहाँ भी हो गया, तो यहाँ भी दिखा था मिक्स, यहाँ भी दिखा दिया। अब देखिए मिक्स टैक्स, मिक्स टर्स है ना, मिक्स सन, मिक्स सन्स। नेक्स्ट देखिए मिक्सचर, क्या होगा मिक्सचर। नेक्स्ट है मीएक्स, मीएक्स। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर मियानाज, मियानाज के बाद है मीजल्स, मिजल्स। नेक्स्ट है मिज मेज, एक के बाद ही तो मिज मेज, मिज मेज, मिजोरम। अब भाई ये तो हमारे नॉर्थ ईस्ट का एक राज्य है मिजोरम, वर्ड तो देश दुनिया की है तो दुनिया में इंडिया भी है, मिजोरन। नेक्स्ट है मिजोरन, मिजराही। नेक्स्ट है मिजटेक, मिजटेक्स। नेक्स्ट देखिए मिजूनस, मिजूनस। नेक्स्ट है मिजूनस, मिजूनस। उसके बाद देखिए मिजेन, मिजेन, मिजेंस, ठीक है, मिज, मिजल्ड, मिजल्ड। नेक्स्ट देखिए मिजल्ड के बाद मिजल्स। तो ये है एक स्लाइड, दूसरे स्लाइड पे चल के हम लोग और फोकस करते हैं, क्योंकि वर्ड्स ऐसे ही समझिए। मॉक, मॉक नी, नी, मॉक नी, मॉक कप्स, मॉक अप्स। देखिए मॉक जो एक प्रीफिक्स पार्ट की तरह यहाँ पर आ रहा है बार बार, तो मॉक अप्स, ठीक है, मॉक, मॉक, मॉकॉक्स, मॉकॉक्स, ठीक है, मॉकॉक्स, मॉकॉक्स। यहाँ भी चूंकि ओ को भी मॉकॉक्स, यहाँ यू को भी आप पढ़ते हैं, मॉडली, 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 मॉडर्स, मॉडर्स, मॉडिंग, मॉडिंग। नेक्स्ट है मॉडल्ड, मॉडल्ड। नेक्स्ट देखिए ये है मॉडलर, मॉडलर के बाद ये जो है मॉडली, मॉडली, मॉडली के बाद देखिए यहाँ तो मॉडेलो, मॉडेलो के बाद जो है मॉडेम्ड, मॉडेम, आईडी लग गया तो मॉडेम्ड, मॉडेम्ड। नेक्स्ट जो है यहाँ है मॉडेनस, मॉडेनस। नेक्स्ट जो है मॉडर्न, मॉडर्न, ई आ गया मॉडर्न में तो मॉडर्न, मॉडर्न्स, मॉडर्न्स के बाद देखिए ये है मॉडेस्टो, मॉडेस्टो, मॉडेस्टो के बाद है मॉडेस्टी, मॉडेस्टी, मॉडेस्टी। नेक्स्ट जो है मॉजिंग, अब भाई डी जी को ज पढ़ते हैं तो मॉजिंग, मॉजिंग। नेक्स्ट है मॉडिकम, मॉडिकम, यहाँ देखिए मॉडियोली, मॉडियोली। नेक्स्ट है मॉडिस्टे, मॉडिस्टे। नेक्स्ट है दोस्तों ये मॉडिस्ट, मॉडिस्ट। नेक्स्ट है मॉड लेंस, मॉड लेंस, और ये है सो मॉड्यूलर, मॉड्यूलर। उसके बाद देखिए ये है मॉड्यूल्ड, क्या पढ़ेंगे मॉड्यूल्ड, मॉड, अब यहाँ देखिए मॉड्यूल्स। नेक्स्ट जो है मॉड्यूलस, मॉड्यूलस। नेक्स्ट मोएलन, मोएलन। नेक्स्ट है मोयरिंग, उसके बाद देखिए मोयरिंग के बाद आप देखेंगे अच्छे से कि मोएसियन। तो दोस्तों ये देखिए मोएसियन, ऐसे सीएन, आई एन को एन बोलते हैं, इंडियन में भी आई एन जुड़ जाता है। मोफेटे, मोफेटे, मोफैट्स, मोफैट्स के बाद जो है मोफैट्स। और नेक्स्ट जो है यहाँ पर देखिए पहले ऊपर वाला मॉफीज, मॉफीज, और मॉफीज के बाद मॉफिट्स और मोगैंस। तो दोस्तों ये है पढ़ने का तरीका, बाकी आप अगर और भी डिटेल में देखना चाहते हैं तो आपको शुरू से सीखना है, दम शुरू से, तो शुरू से ही है और उसके भी शुरू से सीखना है तो दोस्तों और हमारे पुराने वाले वीडियो को देख लीजिए, बस दो चार दिन वाले पुराने वीडियो देखिए, वाकई में आपको सीखने को मिलेगा, क्योंकि एक ही बात है और एक बात के अलावा कुछ बात है ही नहीं, इंग्लिश सीखने में है ही नहीं, एक ही तरह से इंग्लिश सीखा जा सकता है जैसे मैं बताता हूँ, उसके अलावा नहीं, लेकिन आपको मेहनत थोड़ा सा करना होगा। दोस्तों इस वीडियो में यहीं तक, बताइए वीडियो कैसा लग रहा है, अच्छा लगा तो लाइक और शेयर कीजिए, नए हैं जी हाँ सुन नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और घंटी को जरूर दबाते जाइएगा, जिससे कि आने वाले वीडियो की जानकारी सबसे पहले आपको मिल सके। और प्ले स्टोर पर हमारा एक ऐप है जिसका नाम ओमनीसेंट है, इसी तरह से डायरेक्ट उससे जुड़ जाइए, क्योंकि उससे भी जुड़ेंगे तो आपको बहुत बेनिफिट्स होने वाले। तो दोस्तों इस वीडियो में यहीं तक, धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में, ध्यान रखिए अपना, धन्यवाद, धन्यवाद दोस्तों।